आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। आज हम आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर प्रिज्म बनाएंगे, जिसकी 40 mm हाइट और 40 mm विड्थ है। सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक एंगल ड्रॉ करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और 3 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आइसोमेट्रिक व्यू हमेशा 3 एंगल में बनता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पहले 30 डिग्री लेफ्ट साइड से और 30 डिग्री राइट साइड से कंपास में, प्रोटेक्टर में लेंथ लेकर मार्क करेंगे और उसके बाद इसे 90 डिग्री वर्टिकल वाई एक्सिस और 30 डिग्री लेफ्ट साइड से जेड एक्सिस ड्रॉ करेंगे और तीनों को जॉइन कर लेंगे। अब कंपास में 40 mm की लेंथ लेंगे, ये स्केल से भी ले सकते हैं या स्क्वायर को देखकर भी ले सकते हैं उसका मेजरमेंट लेकर। अब रोलर स्केल की सहायता से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम इसी तरह से जेड एक्सिस से वाई एक्सिस पर और वाई एक्सिस से जेड एक्सिस पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर देंगे और इसे एक कंप्लीट बॉक्स की शक्ल देंगे, शेप देंगे। यहाँ से भी लेकर हम एक कंप्लीट बॉक्स का शेप देंगे और ये हमारा स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ हो चुका है। इसे हम अब डार्क कर देते हैं। बहुत ही इजी और जल्दी ड्रॉ हो चुका है ये। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो बहुत ही इजी और आसानी से ड्रॉ होता है। ये बेसिक पॉइंट हार्ड ड्राइंग में काफ़ी मदद करेंगे, इसलिए आप एक भी वीडियो को स्किप ना करें जो हमारी आ रही है। ये तमाम वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ हो चुका है।